विकास जी, हमने जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, इसने 2 दिन की कार्यशाला हमने रखी है जिसके अंदर की लाइव सर्जरी भी होगी, लेक्चर्स भी होंगे और कैडेवर डिसेक्शन ट्रेनिंग भी होगी। तो इसके लिए हमने जो लाइव सर्जरी के लिए है, जो इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट एंडोस्कोपिक सर्जन्स हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, टॉप फैकल्टीज हैं जो ट्रेनिंग देते हैं और काम भी करते हैं, उन सबको हमने बुलाया है यहाँ पर। और वो लोग आएंगे यहाँ पर, लाइव सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और जो डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं, लगभग 15-20 स्टेट्स से डेलीगेट्स आ रहे हैं, यंग न्यूरोसर्जन्स हैं, वो हमारे भी न्यूरोसर्जन उनके साथ में रहेंगे। तो वो लोग सब इनकी टिप्स और टेक्निक्स को सीखेंगे जिससे कि न्यूरोएंडोस्कोपी जो है और ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सके, ज़्यादा अच्छी सर्जरी हो सके, पेशेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके बाद में जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर वो अपनी टेक्निक्स के बारे में सारे डेलीगेट्स को बताएंगे। और अगले दिन जो वर्कशॉप हमने कैडेवर का रखा है, इन्हीं टेक्निक्स को वो खुद से परफॉर्म करके देखेंगे कैडेवर के ऊपर और सीखने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा जो है काम वो कर सकें। सर, क्या मानते हैं न्यूरो एंडोस्कोपी जो है वो कितनी कारगर रहती है, नई टेक्निक है और क्यों किस तरह? न्यूरो एंडोस्कोपी जो है लगभग लगभग पिछले 25-30 साल से जो है इंडिया के अंदर चल रही है। और अभी अपना जो जैसे जयपुर की बात करें तो लगभग लगभग पिछले 10-12 साल से हमारे यहाँ भी न्यूरोएंडोस्कोपी काम में ली जा रही है। उसके लिए हम स्पाइन भी कर रहे हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल डिस्क वगैरह भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी सर्जरी कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक ब्रेन ट्यूमर्स कर रहे हैं, ये सारी सर्जरी जो है हमारे यहाँ चालू है। अभी हमने एक 3D न्यूरोएंडोस्कोप जो है डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से हमें फंड्स के द्वारा मिला है। इस 3D न्यूरोएंडोस्कोप की खासियत यह है कि जो पहले न्यूरोएंडोस्कोपी हुआ करती थी वो 2 प्लेन में हुआ करती थी, अब इससे 3D पिक्चर्स हमारे को मिलेंगी। और ये इतनी एडवांस टेक्निक है कि अभी भारत के अंदर केवल 4-5 सेंटर हैं जहाँ पर ये चालू हुई है। इसको हम शीघ्र जो है अपने SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी में स्टार्ट करते हैं। जो इमर्जिंग टेक्निक्स हैं, जो बेटर टेक्निक्स हैं जिससे कि पेशेंट्स को छोटे होल्स के द्वारा बड़े ट्यूमर्स निकालना, बड़ी सर्जरी हो जाएगी, इससे पेशेंट को आगे चल के रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है कि जो इंडिया के अंदर टॉप फैकल्टी हैं वो आए यहाँ ऑपरेट करें और भारत भर के जो न्यूरोसर्जन्स हैं वो आकर के इन टेक्निक्स को सीखें और अपनी अपनी जगह पर जाकर के इसको प्रोपगेट करें।